मतलब ये कि अब आपको अगर शादी भी करनी है तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। ये कानून बनाए जा रहे कई राज्य सरकारों के द्वारा, जिसमें आप देखिए मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इससे संबंधित आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में एक क्वेश्चंस भी आया था आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित, किस आर्टिकल के तहत आप लव मैरिज या अपने मन मर्जी से किसी भी से शादी कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक जब भी चर्चा में रहते हैं उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, फिर चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, ठीक है, और किसी भी परीक्षा के हों आप लोग। तो पिछले कई दशकों के दौरान समाज सुधार के बड़े प्रयासों के बावजूद आज भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाले विवादों में कमी नहीं है। एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र होने के बारे बात भी कई बार अलग अलग धर्मों के हितों की रक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास उनके बीच विभाजन की रेखा को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। हाल ही में देश के कई राज्यों, जैसे आपका उत्तर मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, द्वारा ऐसे विवाहों को रोकने के लिए कानूनों के निर्माण की बात कही गई, जिन्हें उनके द्वारा लव जिहाद की संज्ञा दी गई है। गौरतलब है कि लव जिहाद के निर्धारण का ना तो कोई कानूनी आधार है ना ही संविधान है। इसके साथ ही बिना किसी मजबूत आधार के कानूनों के माध्यम से अंतर धार्मिक विवाह को रोकना लोगों के संविधान से प्राप्त अधिकारों का भी उल्लंघन होगा। अब आप समझिए कि वैसे भी आप समझिए कि आजादी के बाद से मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच खाइयां और बढ़ती जा रही हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने धर्म को ऊपर उठा रहे हैं, दूसरे के धर्म को नीचे गिरा रहे हैं। आप व्यक्ति में ही ले लीजिए, आपस में हम लोग अपने आप को उससे सामने वाले से ऊंचा उठाते हैं और उसे नीचा गिराते हैं, तो खाई और बढ़ती जाती है। और एक बात और हमेशा याद रखिए, क्या आप सोचिए कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्र मतलब मौलिक अधिकारों का मतलब क्या रह गया? हमारा हमारी स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? अगर हमें शादी भी करनी है किसी से तो हमें सरकार से पूछने की जरूरत पड़े, ये कहाँ का, कल खाने के लिए भी पूछना पड़े कि ये खाना है या नहीं खाना है। तो समझ रहे हैं, सन यानी कि वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय ने के हादिया मामले के बाद पिछले दिनों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अंतर धार्मिक विवाह के कई मामले सामने आए, जहां अलग अलग मामलों में जन्म से हिंदू या फिर मुस्लिम महिलाओं ने धर्मांतरण के माध्यम से दूसरे धर्म से संबंधित व्यक्ति से विवाह किया था। कभी आप देखते हैं कि हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से शादी कर लेती है या मुस्लिम लड़की हिंदू से, उसी पर विवाद पूरा खड़ा हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लव जिहाद की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 नामक एक विधेयक लाने की बात कही गई है। और याद रखिए, विधेयक का मतलब ये होता है कि जब तक आपका पास नहीं होता है विधानसभा से और राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होते, तब तक ये विधेयक कहलाता है। और अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो वहां आप देखेंगे विधेयक तब तक कहलाएगा जब तक राज्यसभा और लोकसभा में रहे, जैसे ही उसमें राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, हस्ताक्षर होते हैं, वो अधिनियम में बदल जाता है। इसके तहत किसी से झूठ बोलकर या फिर दबाव बनाकर उसे विवाह के लिए विवश करना 5 वर्ष के सश्रम कारावास के रूप में दंडनीय होगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले ही इसके लिए आवेदन देना होगा। इसी प्रकार हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की सरकारों द्वारा भी लव जिहाद के विरुद्ध ऐसे ही कानूनों को लाने की बात कही गई है। भारत में लागू प्रमुख विवाह कानूनों की अगर हम बात करें तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास किया गया, परंतु कई समाज सुधारकों और सरकारों के प्रयासों के बाद भी कानूनों में व्याप्त धार्मिक अंतर को दूर नहीं किया जा सका है। इसके परिणाम स्वरूप देश में अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों के विवाह का पंजीकरण अलग अलग कानूनों के तहत किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कुछ इस तरह: हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936। इन चारों को भी याद रखिए, जब आंसर राइटिंग कर रहे हो या आप लोग प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन जाए तो आप इन्हें याद रखना। अब बात करते हैं धर्मांतरण और अंतर धार्मिक विवाह की। भारत में यदि दो अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं यानी कि शादी करना चाहते हैं तो वे या तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह कर सकते हैं, अथवा उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को अपना ले और संबंधित धर्म के रीति रिवाजों के तहत विवाह कर वे अपने विवाह का पंजीकरण करा सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन इसमें भी आपको अपवाद देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई पैसे की लालच में या जबरदस्ती उससे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो यहाँ आपकी रोक लगाई जाएगी। ऐसे में भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद में प्राप्त अधिकारों के तहत यदि अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वह पूर्णतः उसके अधिकारों के अधीन होगा। विशेष विवाह अधिनियम की अगर बात करें हम लोग 1954 वाली की, तो भारत में सामाजिक और धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण अंतर जातीय तथा अंतर धार्मिक विवाहों के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए 1954 में विशेष विवाह अधिनियम को लागू किया गया है। क्योंकि अभी आप भी आप देखेंगे समाज में अगर आपने किसी दूसरी कास्ट से शादी कर ली तो आपके घर वाले निकाल देते हैं या समाज आपको बेदखल कर देता है समाज से बाहर। हरियाणा में इस तरह की प्रथाएं अभी भी मौजूद हैं, आपको देखने को मिलेगी। यह अधिनियम वर्ष 1873 के विशेष विवाह अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है और यह अधिनियम देश में अलग अलग धर्मों से संबंधित लोगों को बगैर अपने धर्म में परिवर्तन किए ही विवाह पंजीकरण का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। इस अधिनियम के तहत विवाह के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 4 में कुछ अनिवार्यताओं का निर्धारण भी किया गया है जो इस प्रकार है। अधिनियम के तहत विवाह पंजीकरण के समय किसी भी पक्षकारी का पति या पत्नी जीवित ना हो, कोई भी पक्ष मानसिक विकार के परिणाम स्वरूप विधिमान सहमति देने में असमर्थ ना हो। यह कहने का मतलब यह है कि आप सोचिए कि कोई पत्नी है पहले से, मतलब शादीशुदा, कोई वोमेन हो या मैन हो, तो उसकी पति या पत्नी जिंदा ना हो तभी वो दूसरे से यानी कि दूसरे पक्ष से शादी कर सकता है। दूसरी शर्त इसमें भी रखी गई है कि मानसिक विकार यानी कि दिमागी हालत उसकी ठीक होनी चाहिए। अगर गलत होती है, खराब होती है, तब भी ये मान नहीं होगा। या फिर विवाह की सम्मति तो दे सकता हो परंतु इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित ना हो कि वह विवाह अथवा संतानोत्पत्ति की आयु हो, और पुरुष की आयु 21 वर्ष न्यूनतम और महिला की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इन शर्तों को अगर आप फॉलो करते हैं तब आप कर सकते हैं, जो भी आवेदन है उसे पंजीकरण करवा सकते हैं। विवाह के लिए धर्मांतरण के कारण की अगर बात करें, धर्मांतरण सामान्य स्थितियों और विवाह के मामलों में किसी भी व्यक्ति की का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, परंतु कई कानूनी और सामाजिक बाध्यताओं के कारण अंतर धार्मिक विवाह के मामले में लोग विवाह के लिए धर्मांतरण को अधिक प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं विशेष विवाह अधिनियम की चुनौतियां क्या क्या हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह के लिए जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके बाद विवाह अधिकारी द्वारा धारा 5 के तहत प्राप्त सभी नोटिसों को विवाह सूचना पुस्तक में दर्ज करने के साथ एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क देखा जा सकता है। यानी कि नोटिस बोर्ड होता है ना, उस पर चिपका दिया जाए, लगा दिया जाएगा। साथ ही यह कोई भी पक्ष उस जिले का निवासी नहीं है तो इस नोटिस को संबंधित जिले के विभाग के अधिकारी को भेजा जाएगा। इस नोटिस के जरिए होने के 30 दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति धारा 4 के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के आधार पर इस विवाह को लेकर अपना पक्ष आक्षेप व्यक्त कर सकता है। आक्षेप की लिखित जानकारी मिलने के बाद विवाह अधिकारी को 30 दिनों के अंदर जांच कर अपना निर्णय देना होगा। साथ ही विवाह अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट रहने पर व्यक्ति जिला न्यायालय में याचिका भी दायर कर सकता है। असंतुष्ट, अगर आप उसके निर्णय से असंतुष्ट हैं, आप सहमत नहीं है, तो आप जिला न्यायालय में भी याचिका जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान अंतर जातीय या फिर अंतर धार्मिक विवाह के मामलों में लोगों पर परिवार या समाज से अनावश्यक दबाव बढ़ जाता है। कई मामलों में लड़के या लड़कियों को इस प्रकार के विवाह से रोकने के लिए उन पर जानलेवा हमला भी कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में कई असामाजिक तत्व लोगों की सार्वजनिक जानकारी का गलत फायदा उठाकर उन्हें या उनके परिवार को परेशान करने का प्रयास भी करते हैं। इस तरह के मामले आप लोग कहाँ देखते हैं, मतलब गरीब आर्थिक स्थिति जिनकी लोगों की खराब होती है उन्हीं लोगों में आपको दिखाई देगा। वरना आप सोचिए कि बड़े लोग कहाँ देखते हैं, जात पात कुछ नहीं। कई नेताओं को आप देखिए, उनके बच्चों को देखिए, तो ये मतलब आप सोचिए ये मामूली लोगों के लिए कानून रहते हैं। या आप कहिए कानून की छोड़िए, या ये समाज क्या कहेगा, ये किसके लिए, मीडियम जो परिवार है या बिल्कुल निचले तबके के हैं, ऊपर वाले कहाँ देखते हैं, समझ रहे हैं। हाल ही में केरल में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर धार्मिक जोड़ों की
तस्वीरों और अन्य जानकारियों के दुरुपयोग के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इस अधिनियम के तहत विवाह के नोटिस के ऑनलाइन प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। इन सब चुनौतियों से बचने के लिए अधिकांशता लोग धर्म परिवर्तन का विकल्प अपनाते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में SMA के तहत 30 दिन का नोटिस की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की गई है और इसके लिए तर्क दिया गया है कि SMA की धारा 4 की शर्तों को शपथ पत्र और चिकित्सीय जांच के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि अंतरधार्मिक विवाह का विरोध क्यों हो रहा है, कुछ संगठनों का आरोप है कि अंतरधार्मिक विवाह के माध्यम से जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा सकता है। और याद रखिए, देखिए कई जगह आपने ये देखने को भी मिलेगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या अन्य कुछ धर्मों के कानूनों के तहत किसी भी व्यक्ति को एक ही विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में कुछ मामलों में लोगों ने दूसरा विवाह करने के लिए धर्मांतर, विशेषकर इस्लाम, जहां 4 विवाह तक की अनुमति है, कर रास्ता अपनाया है। गौरतलब है कि इस्लाम धर्म की रीति रिवाजों के तहत एक से अधिक विवाह के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं। पूर्व की अगर हम मामलों की बात करें, इससे पहले तो सरदा सरला मुदगल 1992, माफ करिए 1995, इस केस को जरूर याद रखना। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के फैक्ट अगर आप डालते हैं आंसर राइटिंग में तो एक प्रभावकारी आंसर रहेगा आपका। वर्ष 1995 में कल्याणी नामक एक संस्था की संचालक सरला मुदगल द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि कोई भी हिंदू बिना अपने पहले पहले विवाह से तलाक की कार्रवाई को पूरा किए इस्लाम में धर्मांतरण के माध्यम से दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है कि हिंदू है कोई, अगर वो मान लीजिए कोई लड़की या लड़का है, तो अगर तीसरे पक्ष से उसे शादी करनी है तो पहले वाले पक्ष, दूसरा जो आपने शादी की थी, उसे तलाक देने के बाद ही कर सकते हैं आप लोग। और ऐसा करना IPC की धारा 494 के तहत दंडनीय होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग तो इसके तहत आपको सजा भी मिलेगी। राज्य सरकारों द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून का प्रस्ताव की बात करें तो हाल ही में हरियाणा राज्य के गृह मंत्री द्वारा धर्मांतरण के विरोध कानून के निर्माण की घोषणा के साथ हिमाचल प्रदेश इस मामले पर पहले से सक्रिय एक कानून की जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में हिमाचल विधानसभा द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2019 पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2007 से ही एक कानून लागू था जिसके तहत बलपूर्वक या धोखाधड़ी से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाई गई थी। और हालांकि वर्ष 2019 के विधेयक में इसको प्रावधानों को और अधिक कठोर कर दिया गया है। वर्ष 2019 के विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति बल, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखे या विवाह के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण कराने का प्रयास तथा ऐसे कार्यों में सहयोग नहीं करेगा, इसके तहत एक तरह से व्यवस्था की गई है। इस विधेयक के अनुसार सिर्फ धर्मांतरण के उद्देश्य से किए गए विवाह को किसी भी पक्ष के आवेदन पर न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति विवाह के लिए स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे 1 माह पहले ही इसके लिए आवेदन देना होगा। साथ ही धर्मांतरण में शामिल धर्मगुरु को भी इसकी सूचना 1 माह पहले ही जिला प्रशासन को देनी होगी। इसके तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगी और इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माने के साथ 5 वर्ष तक की कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। यदि पीड़ित एक नाबालिग महिला या फिर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति का सदस्य है तो उस स्थिति में कारावास के दंड को 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, या आप समझिए कि उसकी 18 साल से कम उम्र है, यानी कि नए नए बालक है पीड़ित, और महिला है या अनुसूचित जाति है जनजाति का सदस्य है, तो उसमें आप क्या देखेंगे, 5 साल के लिए, ठीक है, माफ करिए 7 साल तक उसे कारावास को दंड को बढ़ाया जा सकता है। इसमें चुनौतियों की अगर बात करें कि नहीं, दो सहमत वयस्क के बीच वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए अनावश्यक कानूनी हस्तक्षेप न केवल संवैधानिक अधिकारों की गारंटी के खिलाफ होगा बल्कि यह व्यक्तिगत अनुच्छेद 21 और बुनियादी स्वतंत्रता की अवधारणा को भी क्षति पहुंचाता है। इसे याद रखिए जरूर आप लोग 21 को, क्योंकि यही क्वेश्चन बना था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला वहां भी आया था, 21 आर्टिकल सही था उसमें। बहु विवाह या बहुपत्नी प्रथा, अपहरण या बल प्रयोग आदि को पहले से ही अपराध माना गया है और ऐसे अपराधों में IPC या अन्य कानूनों की विभिन्न धाराओं के तहत निपटा जा सकता है। असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों का शोषण करने या फिर अराजकता फैलाने के लिए ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जा सकता है। आगे क्या राय हो सकती है इसमें? 21वीं सदी में भी देश में धर्म और जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव एक बड़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है।
ऐसे में वर्तमान समाज में लोगों में निजता और व्यक्ति की स्वतंत्रता, विवाह, धर्म का चुनाव या अन्य मामलों में भी के संदर्भ में व्यापक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और एक बात और अभी सोचिए आप लोग, कि अगर आप सोचिए कि देश पिछड़ा हुआ है, अगर हम आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसका एक कारण मैं कहता हूं, सबसे प्रमुख कारण, धर्म जाति के नाम पर लड़ाई है। हम एक एक हो के नहीं लड़ सकते हैं, मतलब हम एक नहीं हो सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम हिंदू है मुस्लिम है, इसी के नाम पर हम वोट देते रहते हैं, और इसी का परिणाम रहता है कि हमारे नेता उसी का फायदा उठाते रहते हैं। ठीक है, जब नेता अपने बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे, हमारे क्या होंगे। विवाह अधिनियम से जुड़े एक कानूनों में अपेक्षित बदलाव के साथ और उन्हें लागू करने में होने वाली अनावश्यक देरी को दूर करने के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। कानूनों या धार्मिक रीति रिवाजों के दुरुपयोग के माध्यम से लोगों के शोषण को रोकने के लिए युवाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। भारत में विवाह से जुड़े कानूनों में व्याप्त जटिलता को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। ये थी पूरा आपका अंतर धार्मिक विवाह जो भी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला। आप लोग क्या सोचते हैं इस मामले में, आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। देखिए, इस टॉपिक में अगर आंसर राइटिंग करते हैं, और अगर आप कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हैं या कहीं आप क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो आपको बड़ा बैलेंस बनाकर लिखना होगा। आप कहीं तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। समाज की अलग बात है कि वहां चलते रहते हैं उल्टा सीधा, सही को गलत, गलत को सही ठहराते रहते हैं, लेकिन आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं या लिख रहे हैं, कहीं भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अपनी बात में दम होना चाहिए। ठीक है।